हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस। प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस परिवार में स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम टू स्टैंडर्ड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पर। कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट, जो हमें लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के प्रॉब्लम्स दिए होते हैं वो जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के फॉर्म में दिए होते हैं, तो उसे हमें अगर उस पर हमें सिंप्लेक्स मेथड यूज़ करना है या सिंप्लेक्स मेथड पर काम करना है, तो हम दिए गए जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को चेंज करते हैं या कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में। तो दोस्तों आइए आज हम देखते हैं कि किसी भी जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने इसे फोर पार्ट में डिवाइड किया है। इसके जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम टू स्टैंडर्ड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में कन्वर्ट करने के फोर स्टेप्स में हमने इसको जो है डिवाइड किया है। आइए देखते हैं। फर्स्ट स्टेप है राइट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इन द मैक्सिमाइजेशन फॉर्म। कहने का मतलब यह है स्टूडेंट, अगर हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन फॉर्म में दिया गया है तब तो कोई चेंज नहीं करेंगे, लेकिन अगर मिनिमाइजेशन फॉर्म में दिया गया है, मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव मीन जेड दिया गया है, तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे मैक्सिमाइजेशन फॉर्म में, मैक्स जेड के फॉर्म में ऑब्जेक्टिव को चेंज करेंगे। कैसे करते हैं ऑब्जेक्टिव को चेंज? अगर हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मीन जेड दिया गया है तो उस फंक्शन के वेरिएबल्स में माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैक्स जेड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और इसे हम लिखेंगे मैक्स जेड बार जेड डैश। ठीक है स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया गया है मीन जेड इक्वल टू 4x1 माइनस 3x2 और हमें इसे एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो स्टूडेंट हम लिखेंगे मैक्स जेड डैश इक्वल टू माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरे इक्वेशन में हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस वन से, तो क्या हो जाएगा माइनस 4x1 और माइनस 3x2 में माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3x2, तो ये हमारा हो जाएगा मैक्स जेड, मीन जेड से हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मैक्स जेड के फॉर्म में आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब दूसरा स्टेप है कन्वर्ट ऑल इनइक्वालिटीज एज इक्वेशन फॉर्म। कहने का मतलब जो हमारा सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट दिया गया है और वो हमेशा इनइक्वालिटी के फॉर्म में होता है तो उसे हम इक्वल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। अगर मान लीजिए हमारा जो है सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट लेस आर इक्वल के फॉर्म में दिया है तो उसमें हम प्लस करते हैं स्लैक वेरिएबल, जैसे मान लीजिए कि s1 s2 डैश डैश, और अगर हमारा सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट ग्रेटर आर इक्वल के फॉर्म में दिया है तो हम माइनस करते हैं सरप्लस वेरिएबल। ठीक है स्टूडेंट, आइए एक एग्जांपल से इसे क्लियर करते हैं कि सपोज हमारा एक एग्जांपल दिया गया है और सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट दिए गए हैं 2x1 प्लस 3x2 लेस आर इक्वल 10, इसे हमें कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2x1 प्लस 3x2, अब यहाँ लेस आर इक्वल है तो स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे तो प्लस s1 इक्वल टू 10, ये कन्वर्ट हो गया। अगर मान लीजिए दूसरा कोई एग्जांपल है दिया गया है x1 माइनस 4x2 ग्रेटर आर इक्वल टू, इसे हमें इक्वल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो x1 माइनस 4x2, यहाँ पे ग्रेटर आर इक्वल है तो सरप्लस वेरिएबल को माइनस करते हैं तो माइनस s2 इक्वल टू 2। ठीक है स्टूडेंट, थर्ड स्टेप दिया गया है द राइट साइड एलिमेंट ऑफ ईच कॉन्स्टेंट शुड बी मैड नॉन निगेटिव। कहने का मतलब यह है कि जो हमारा कॉन्स्टेंट का राइट साइड का पार्ट है वो निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए हमारा फॉर एग्जाम्पल दिया गया है कि माइनस x1 प्लस 2x2 प्लस s1 इक्वल टू माइनस 10, तो हमारा ये राइट साइड निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो राइट साइड को पॉजिटिव करने के लिए हम माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे इक्वेशन में, तो माइनस वन से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा माइनस 3x2, यहाँ पे हो जाएगा माइनस s1 इक्वल टू माइनस 10, जो है वो प्लस 10 हो जाएगा, राइट साइड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। फोर्थ स्टेप है स्टूडेंट ऑल वेरिएबल्स मस्ट हैव नॉन निगेटिव वैल्यूज़। कहने का मतलब जो भी हमारा वेरिएबल्स हैं वो नॉन निगेटिव वैल्यूज़ में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल x1 प्लस x2 लेस आर इक्वल टू 3 है,
एंड एक्स वन ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो एंड एक्स टू इज़ अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन। अगर कहीं पे अनरिस्ट्रिक्टेड है तो इसका मतलब उसको सबसे पहले हमें क्या करना है, उसमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसको लेस आर इक्वल में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे एक्स वन प्लस एक्स टू के प्लेस पर, क्योंकि एक्स टू नॉ अनरिस्ट्रिक्टेड है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स टू डैश माइनस एक्स टू डबल डैश ब्रैकेट क्लोज लेस आर इक्वल थ्री। अब लिख सकते हैं वेयर एक्स वन कॉमा एक्स टू डैश कॉमा एक्स टू डबल डैश ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, आइए हम एक दो एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम किसी भी जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट, आइए देखते हैं। तो ये हमारा प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल्स ऑफ जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम टू स्टैंडर्ड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। एग्जाम्पल फर्स्ट दिया गया है मैक्स जेड इक्वल टू थ्री एक्स वन प्लस टू एक्स टू, सब्जेक्ट टू दिया गया है, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट दिया गया है, टू एक्स वन प्लस एक्स टू लेस आर इक्वल टू टेन, फोर एक्स वन प्लस टू एक्स टू ग्रेटर आर इक्वल टू 25 एंड एक्स वन कॉमा एक्स टू ग्रेटर आर इक्वल जीरो। ये दिया गया है, अगर हमें सिंप्लेक्स मैथड यूज़ करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसे स्टैंडर्ड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना होगा। तो आइए कन्वर्ट करते हैं, स्टैंडर्ड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को शॉर्ट में SLPP से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहली बात तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्स जेड होना चाहिए, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैक्स जेड है, तो इसलिए इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ हो जाएगा मैक्स जेड इक्वल टू थ्री एक्स वन प्लस टू एक्स टू, और सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट होगा, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट को हमें चेंज करना है। तो देखो यहाँ पे जो हमारा इनइक्वालिटी के फॉर्म में है, इसे इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, ये हो जाएगा 2x1 प्लस एक्स टू, और यहाँ पे दिया गया है लेस आर इक्वल में स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे, तो प्लस s1 इक्वल टू 10, पहला चेंज हो गया। दूसरा है इक्वेशन स्टूडेंट 4x1 प्लस 2x2 ग्रेटर आर इक्वल टू 25, तो 4x1 प्लस 2x2, अब यहाँ पे ग्रेटर आर इक्वल है तो यहाँ पे सरप्लस वेरिएबल को माइनस करेंगे, तो माइनस s2 इक्वल टू 12 एंड x1 कॉमा x2 कॉमा s1 कॉमा s2 ग्रेटर आर इक्वल टू 0, जहाँ पे x1 x2 को नॉन बेसिक वेरिएबल बोलते हैं, और जो स्लैक और सरप्लस वेरिएबल हमने ऐड करा इसे हम बेसिक वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, अब आपका ये जो फॉर्म आपके सामने दिख गया ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, स्टैंडर्ड LPP फॉर्म में हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, एग्जाम्पल टू दिया गया है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है मिन जेड इक्वल टू माइनस टू एक्स वन प्लस फोर एक्स टू, और सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट दिया गया है 4x1 माइनस 2x2 लेस आर इक्वल 10, अगला है x1 प्लस x2 ग्रेटर आर इक्वल टू 5, नेक्स्ट है 3x1 माइनस x2 ग्रेटर आर इक्वल टू 15 एंड x1 कॉमा x2 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। इसे चेंज करना है हमें स्टैंडर्ड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में, क्योंकि जब तक चेंज नहीं करेंगे तब तक हम सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मीन जेड में दिया है, तो मीन जेड में नहीं होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उसे मैक्स जेड में कन्वर्ट करते हैं। तो मैक्स जेड डैश इक्वल टू, हमने बताया था मिनिमाइज जेड से मैक्स जेड कैसे कन्वर्ट करते हैं, माइनस वन से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें हम माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू एक्स वन हो जाएगा प्लस टू एक्स वन प्लस फोर एक्स टू हो जाएगा माइनस फोर एक्स टू। ये मैक्स फॉर्म में हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट, पहला हमारा है 4x1 माइनस 3x2, यहाँ पे लेस आर इक्वल है तो स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे प्लस s1 इक्वल टू 10 हो जाएगा, दूसरा है x1 प्लस x2 ग्रेटर आर इक्वल टू 5, तो x1 प्लस x2 यहाँ पे ग्रेटर आर इक्वल है तो सरप्लस वेरिएबल माइनस करेंगे तो माइनस s2 इक्वल टू 5, थर्ड है 3x1 माइनस x2 ग्रेटर आर इक्वल टू 15, तो 3x1 माइनस x2 यहाँ ग्रेटर आर इक्वल है तो सरप्लस वेरिएबल ऐड करें माइनस करेंगे तो माइनस s3 इक्वल टू 15 एंड x1 कॉमा x2 कॉमा s1 कॉमा s2 कॉमा s3 ग्रेटर आर इक्वल टू 0, जहाँ पे x1 x2 नॉन बेसिक वेरिएबल हैं और s1 s2 s3 बेसिक वेरिएबल कहे जाएंगे। ये जो हमारा फॉर्म आया ये आपका स्टैंडर्ड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के फॉर्म में हो गया। अब आप इसमें सिंप्लेक्स मेथड को आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए आज हमने डिस्कस किया किसी भी दिए गए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम
कि जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से स्टैंडर्ड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में कैसे चेंज करते हैं, इसके बारे में आज हमने डिस्कस किया। ये सिंप्लेक्स मेथड का बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम सिंप्लेक्स मेथड के केसेस को डिस्कस करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कमेंट ज़रूर करिए। ठीक है स्टूडेंट, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।